हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और वैकेंसी आ चुकी है जो कि आई है एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से। ये वो एनटीपीसी नहीं है जो रेलवे में आती है, ये दूसरी एनटीपीसी है, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी चार पोस्ट के लिए आई हुई है, एक माइनिंग का है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और माइन सर्वे है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ 70 वैकेंसी आई हुई है और जो ट्रेड वाइज है वो यहाँ दी हुई है। माइनिंग की 40 पोस्ट है यहाँ, मैकेनिकल की 12 है, इलेक्ट्रिकल की 10 है और माइन सर्वे की 8 है। और बाकी इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग इस वीडियो में अभी पूरी डिटेल से कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी जो डेट है कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज ही से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 23 नवंबर से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की, वो रहेगी 12 दिसंबर तक। 12 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, इस बीच आप अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसके एप्लीकेशन फ़ीस की, तो देखिए यहाँ जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 300 रुपये की फ़ीस लगेगी और SC ST PWD और साथ में एक्स सर्विसमैन और जितनी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन सभी की यहाँ कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है, उनके लिए एकदम ये फ्री है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाकी चीज़ों के बारे में। तो देखिए इसमें अब हम लोग बात करें इसकी एज लिमिट के बारे में, तो देखिए यहाँ जो अपर एज लिमिट यहाँ रहने वाली है वो 25 ईयर रहने वाली है। तो अगर आप 25 साल आपकी एज लिमिट है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या 25 से अपर एज लिमिट ये 25 है, यानी कि 25 से अगर नीचे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो देखिए इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो माइनिंग के लिए आपकी चाहिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में या फिर माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग में 70% मार्क्स के साथ, 70% मार्क्स यहाँ कंपलसरी यहाँ बताया गया है। उसके बाद हम बात करें अगर इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में भी आपका फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, या फिर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी अगर आपकी है तो भी वो आपकी चल जाएगी, लेकिन 70% मार्क्स के साथ आपके पास होने चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल में बात करें तो इसमें भी 70% मार्क्स के साथ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका यहाँ डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में माइन सर्वे की बात करें तो माइन सर्वे में भी माइन सर्वे या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा माइनिंग या माइन सर्वेइंग अगर आपके पास ऐसी कोई डिप्लोमा है तो फिर 70% मार्क्स के साथ तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है वो 2-3 स्टेज में होने वाला है। मेन तो ये 2 ही स्टेज है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा, ना ही कोई टेस्ट वैसे होने वाला है। हाँ, एग्ज़ाम टेस्ट यहाँ ज़रूर होगा, यानी कि पहला ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा पहला फेज में, जिसमें आपका 120 क्वेश्चन टोटल आएंगे और 2 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा। 0.25 का यहाँ आपका निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है और सभी क्वेश्चन आपके 1 मार्क के होंगे, यानी 120 क्वेश्चन 120 मार्क के। और यहाँ जो आपका सब्जेक्ट आने वाला है आपका, तो देखिए यहाँ जनरल इंग्लिश आपकी पूछी जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा। ये 3 सब्जेक्ट आपके यहाँ फर्स्ट स्टेज में आने वाले हैं। फर्स्ट स्टेज का जो ये एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम, ये ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, यानी कि इससे आपकी मेरिट डिसाइड नहीं होगी। इसमें आपको क्वालिफाई अगर आप इसे कर जाते हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा मेरिट लिस्ट के बेस पर, तो फिर यहाँ आपका यहाँ 10 टाइम्स यानी कि 70 टोटल यहाँ वैकेंसीज़ हैं, तो उसका 10 टाइम यानी कि 700 लोग जो हैं वो आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए आपको बुलाए जाएंगे, जो कि सेकेंड स्टेज का ऑनलाइन टेस्ट होगा। और वो फिर होगा आपके ट्रेड का, यानी कि अगर आप माइनिंग से हैं तो माइनिंग के आपके क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो इलेक्ट्रिकल के आपके क्वेश्चन आएंगे। जहां 120 क्वेश्चन आएंगे आपको 120 मार्क्स के, यहां भी 0.25 की निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और इस जो सेकेंड ऑनलाइन टेस्ट होगा इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी और आपका यहाँ सेलेक्शन होने वाला है। तो इस प्रकार का इसका सेलेक्शन का ये प्रोसीजर रहने वाला है। उसके बाद हम लोग दिखा देते हैं आप लोग को यहाँ कुछ वैकेंसीज इसकी। देखिए टेस्ट सेंटर के बारे में भी नहीं बताया गया है कि आपका ये एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, वो शायद आपको फॉर्म भरने के समय या फिर बाद में आपको बताया जाए। और बाकी अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए यहाँ से आप लोग जो वैकेंसीज़ हैं वो आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ से देख सकते हैं।
और उसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें अगर मैं आप लोग को बताऊं तो देखिए, अभी फ़िलहाल जो 2 साल का यहाँ ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसमें 24,000 रुपये की आपकी यहाँ सैलरी मिलेगी। उसके बाद जो है आपकी जो सैलरी होगी वो W7 ग्रेड में हो जाएगी और फिर आप वहाँ से कंटिन्यू हो जाएंगे, लेकिन 2 साल तक आपको ये ट्रेनिंग कम्प्लीट करनी ज़रूरी है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके सर्विस अग्रीमेंट बॉन्ड के बारे में। अगर तो देखिए, आपको यहाँ 3 साल तक इनके साथ काम करना ज़रूरी है। अगर आप ये जो है 3 साल के पीरियड से पहले अगर आप ये जॉब छोड़ देते हैं तो फिर जनरल कैंडिडेट, EWS और OBC कैंडिडेट को यहाँ 1,00,000 रुपये का एक सर्विस बॉन्ड जो होगा वो पे करना होगा प्लस GST के साथ। और अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट हैं तो फिर आपको 50,000 रुपये का यहाँ पर सर्विस बॉन्ड जो है वो आपको यहाँ पे करना होगा। तो इस प्रकार का इसका सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी होने वाला है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो आप अपने हिसाब से इसलिए फॉर्म अप्लाई करिएगा। उसके बाद यहाँ कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। और जो भी है यहाँ बताया गया है कि किसी प्रकार का एग्ज़ाम देने के लिए TA DA नहीं मिलेगा, यानी कि कोई ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। और बाकी यहाँ चीज़ें जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी हुई हैं, जाके आप देख भी सकते हैं www.ntpccareers.net। बाकी ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, और नोटिफिकेशन का भी लिंक जो है इस नोटिफिकेशन का वो भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। हाँ, सबसे ज़रूरी बात हम लोग ने ये नहीं की कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो आपका, तो ये पहला स्टेज का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में, जो कि अभी टेंटेटिव डेट है। और उसके बाद जो इसके सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा जिसमें टेक्निकल टेस्ट होगा, यानी कि आपके ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, तो वो जो होगा आपका वो फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा, ये भी अभी टेंटेटिव डेट है। तो इस तरह इसका पूरा प्रोसीजर होने वाला है इस वैकेंसी का। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसे ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ मैं बोलता ही हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करें। इससे क्या होता है, जितनी बड़ी फैमिली होगी उतनी ही अच्छी आप लोगों को जॉब की जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलेंगी। काफ़ी सारे ऐसे भी चैनल हैं जो फेक न्यूज़ बताते हैं, तो उनसे आप लोगों को बचकर भी रहना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।